जिंदगी के जो प्रॉब्लम्स आते हैं उनको सॉल्व करने को भी सीखता है। जिंदगी में भी कोई प्रॉब्लम सामने से आ रहा है, कोई चैलेंज इधर से आ रहा है, कोई इधर से आ रहा है, तो जो आदमी स्पोर्ट्स में अच्छा होता है, स्पोर्ट्स की प्रैक्टिस होती है, वो उनको भी फेस कर लेता है। हम लोगों ने भी जिंदगी में बहुत स्पोर्ट्स खेली है और वो सब किया, और उससे हमें बहुत चीज़ों में फ़ायदा हुआ है, पढ़ाई में भी फ़ायदा हुआ है, दीगर चीज़ों में भी फ़ायदा हुआ है, तो इंशाल्लाह ताला। और दूसरी बात ये होती है कि आदमी जो है वो दिमाग तो जो है वो एक खाली नहीं होना चाहिए, दिमाग को हर वक्त ऑक्यूपाइड रहना चाहिए। मशरूम साहब यही करता है कि कमरे में बैठ के उल्टे सीधे वो देखना, और उसके बजाय वो जो है मोबाइल को लेके मैसेजेस करना, उससे अच्छा है कि आदमी स्पोर्ट्स खेले और वो भी करे। बाकी एक और बात मैं बताना चाहता हूँ, आप लोग बच्चों की तरह, जब हमारा जो जमाना था ना, उस जमाने में मर्दानगी का एक कॉन्सेप्ट था। मर्दानगी का होता है कि भाई वो बहादुर है, काइंड है, रहम दिल है, दोस्ती अच्छी करता है, ये सब चीजें होती है। अब आजकल जो है मैं देखता हूँ कि वो घर के सामने वो है, उससे गुजरता हूँ तो देखता हूँ कि वो सफेद सफेद पता नहीं मुंह पे लगाए हुए लड़के बैठे हुए। अब ये मैंने कहा यार ये कौन सी मर्दानगी, हमारे वक्त में तो अगर कोई ऐसा पकड़ा जाता तो मुंह छुपाने दिखाने के काबिल नहीं रहता, और यहाँ पे खुल्लम खुल्ला बैठे हुए सब लोग ये। फिर ये के मतलब ये कि कोई एक चीज होती है कि ये चीज हम हमारे यहाँ बहादुरी, मर्दानगी, शराफत, उसके अपने एक तरीके थे, ये माशरे से कट गए। उसकी वजह ये कि वेस्टर्न इन्फ्लुएंस इतना हो गया जो कि मुनासिब नहीं है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप दाढ़ी रख के मस्जिद में बैठे हो, लेकिन कम से कम अल्लाह रसूल का खौफ होना चाहिए कुछ, के जो हुदूद कायम किए उसकी कुछ तो शर्म रखे आदमी। आप 100% नहीं कर सकते, लेकिन कुछ तो करो यार, कुछ तो आप दिखाओ कि भाई ये मेरे माँ बाप ने नहीं सिखाया मुझे, मेरे वालदेन ने जो मैं सिखाया मैं ये नहीं कर सकता, यहाँ मेरी मेहनत खत्म हो जाए। तो कम से कम जो है वो स्पोर्ट्स बड़ा हेल्प करती है इसमें। और मुझे आज खुशी भी कि दोनों टीमों की तरफ से मैच, डॉक्टर साहब से इसीलिए हर वक्त करता रहता हूँ कि तुम्हारा मैच क्यों नहीं हो रहे, लड़के क्यों नहीं आ रहे, जिम में क्यों नहीं जा रहे, ये वो चीज़ है जिसमें अपनी एनर्जी निकलनी चाहिए। और अब के जो इंशाल्लाह ताला आपकी एज होगी, बड़े होंगे आप, जब आप 40 साल के होंगे, 45 साल के होंगे, उस वक्त भी आपको फिट होना चाहिए कि आपके जो बच्चा जो 18-20 साल का बच्चा है उसके साथ आप बराबरी की बुनियाद पर खेलें। ये नहीं होना चाहिए कि यार अब तो बूढ़े हो गए, 40 साल के बाद शौक हमारी कहूँ बूढ़े हो गए। अरे बूढ़े कैसे हो गए यार, अभी आप खेलो, अभी अल्लाह ताला ने आपको दिए सेहत दी है, ज़िंदगी दी है, आप आगे बढ़ें। मैं ये चाहता हूँ कि आप लोग बेटा लगे रहें अपने स्पोर्ट्स में, अपने जहन को अपने डेवलप करें, अपने कैरेक्टर को डेवलप करें, अपने मेयार को बेहतर से बेहतर बनाएं, अपने साथियों को वो करें, जीतना भी सीखें, हारना भी सीखें। हार को भी इज्जत से, इज्जत से कैसे हारा जाता है ये भी आना चाहिए। अगर आपको ये हो कि नहीं हार गए तो जलील हो गए, तो ये स्पोर्ट्समैन की सोच नहीं। स्पोर्ट्समैन की सोच में इंसान जो है वो जो चीज़ हकीकत होती है उसको खुशदिली से कबूल करता है, अगली बार और मेहनत करके आता है। तो मुझे अच्छा लगा आज, आप लोगों को मुबारक हो माशाल्लाह, फाइनल ईयर दोस्त है, इट मे बी द लास्ट बस प्रॉपर बास्केटबॉल मैच, लेकिन बहरहाल आप लोगों ने खेला अच्छा किया, और के लिए इंशाल्लाह इन चीज़ों को याद रखना। ये चीज़ें जो है मैंने भी आज बताई, मैं वो कोई हमारी क्लास की गेट टुगेदर थी, 85 का बैच था हमारा, 85 में बने थे, 37 ईयर्स वो, लेकिन आज भी 50 डॉक्टर्स जो थे कराची में आ गए, हमारे क्लास की गेट टुगेदर थी, हम लोगों ने बैठे खाया, मजे किए, मजाक किया, गैदरिंग की। तो उसकी वजह ये थी कि जब हम थे तो हमारा इतना स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग थी कि 37 साल बाद भी लगता है कि जैसे कि कल एक दूसरे से अलग हो गए। ये भी स्पोर्ट्स के एक होता है, जब आप खेलते हैं, साथ करते हैं, तो आप एक दूसरे को मेंटेन रखते हैं, आपको याद होता है कि यार हम बचपन में साथ खेलते। तो ये आगे तक चलते रहना चाहिए, पूरी जिंदगी पे मोहित होना चाहिए। ये नहीं कि बहुत से होते हैं, मैं स्टूडेंट की बात करता हूँ, इधर वो पास हुए, इधर खत्म हुई बात, ये नहीं क्या बात, तो इसको मेंटेन रख। थैंक यू।